हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो आज के इस लेक्चर से हम GAVV, जो कि देवी अहिल्य विश्वविद्यालय के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 आपका मेनली रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड होता है एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड्स पर। सो यहाँ पर हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर मीनिंग ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है, आपको कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। उसी के साथ साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 एंड फॉर योर पेपर 2 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। सो पेपर 1, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, उसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, और एज वेल एज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको हमारे कंटेंट से आपको 50 में से 30 to 35 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से पूछे जाएंगे। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, हम कंप्लीट गाइडेंस करते रहते हैं। प्रीवियसली हमारे 2 to 3 बैचेस हो चुके हैं GAVV यूनिवर्सिटीज़ पर, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हर बारी। तो याद रखिएगा, जल्द से जल्द आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप डायरेक्टली हमारे ऐप से भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में दे रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो GAVV का डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट और PhD एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसमें आपका जो पेपर 1 होता है, इसमें मेनली रिसर्च मेथडोलॉजी और 10 questions रीजनिंग एप्टीट्यूड, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से आपको पूछा जाता है, एंड पेपर 2 में आपको रिमेनिंग 50 questions पूछे जाते हैं। सो फॉर पेपर 1, जो ये सारे यूनिट्स पर बेस्ड होता है, उसके लिए हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, यानी आपका पूरा सिलेबस वीडियो लेक्चर्स में हम कंप्लीट करवाते हैं, प्लस सम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नोट्स काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है, इंग्लिश हिंदी सारे लैंग्वेजेस में आपको नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने हाईलाइट कर रखा है। और नोट्स में याद रखिएगा, नोट्स जैसे आप अगर कोई इंटरनेट से लेते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, जिससे क्या स्टूडेंट्स को समझ आना कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हमारे नोट्स से स्टडी करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट एक ही बार में पढ़कर आप इजीली क्लियर कर सकते हो कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद मॉक टेस्ट, आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के 10 mock tests मिलेंगे, हर एक मॉक टेस्ट में 40 MCQs, उस तरीके से आपके 400 questions कवर होते हैं। उसी तरीके से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पर 10 एंड लॉजिकल रीजनिंग पर 10 mock tests मिलेंगे, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। हमारे मॉक टेस्ट में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जामिनर के जो कुछ फेवरेट क्वेश्चन, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं के बेसिस पर हम क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस, उनके खुद की डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चंस, तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में मिलती हैं। एंड फाइनली रिवीजन PDF, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से सारा हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल लैंग्वेज में, विद 100% पासिंग गारंटी। हमारे कंटेंट्स आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो वहीं से हमारे ऐप से आपको स्टडी मटेरियल परचेस करना है, ठीक है। सो दैट्स इट एंड देखते हैं हम फॉर पेपर 2। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर अगेन देख सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स आपके साथ शो कर रखे हैं, जैसे मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मराठी, लॉ, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स के हम आपको पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और इसी कंटेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगेन फॉर पेपर 2। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं। सो दैट्स इट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम MCQs की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज। इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हम रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो हमें रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है ये पता होनी चाहिए। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। सो इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चंस, वेयर वी विल गो आफ्टर वी डाई, व्हाई हैव वी कम टू द वर्ल्ड, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी रिसर्च नहीं होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन
सी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा. इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं डेटा एनालिसिस. तो डेटा एनालिसिस ये आपके रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट होता है. ओके, अब रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आप फर्स्ट स्टेप में डेटा को कलेक्ट करते हो, देन उस डेटा को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, और आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड और आपके एनालिसिस पर बेस्ड आप कुछ कंक्लूजन देते हो. बट यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जो गिवन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ये रिसर्च की डेफिनेशन नहीं होगी. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन ए गिवन है, अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. तो यहाँ पर साइंटिफिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो रिसर्च होती है, आपको रिसर्च में साइंटिफिक मेथड्स यूज करने चाहिए, आपकी रिसर्च साइंटिफिक वे में आपको परफॉर्म करनी चाहिए. देन इसी सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. सो आप क्या करते हो, रिसर्च में न्यू नॉलेज क्रिएट करते हो, न्यू थ्योरी क्रिएट करते हो, और उसी नॉलेज का यूज करते हो और कोई प्रैक्टिकल लाइफ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड डिजीज. कोविड डिजीज के अगेन रिसर्चर ने वैक्सीन डेवलप किया. ओके, तो रिसर्चर ने क्या किया, कोविड डिजीज के अगेंस्ट न्यू नॉलेज पहले डेवलप करी होंगी, न्यू नॉलेज दिया होगा, न्यू थ्योरी डेवलप करी होंगी, उसी नॉलेज का यूज कर इस वैक्सीन को फॉर्म किया होगा, इस वैक्सीन को बनाया होगा. तो रिसर्चर ने क्या किया, यहाँ पर पहले नॉलेज क्रिएट करा और उसी नॉलेज का यूज कर इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया. सो रिसर्च आपकी साइंटिफिक होनी चाहिए और रिसर्च में हम न्यू नॉलेज और उस नॉलेज का यूज कर हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो ये आपकी हो जाएंगी द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. अब रिसर्च में आपको तीन वर्ड्स याद रखने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट इज आपकी रिसर्च साइंटिफिक होनी चाहिए. देन सेकेंड, आपकी जो रिसर्च होती है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए. मीन्स आपको आपकी रिसर्च में कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेस फॉलो करना होता है. आप रैंडमली कोई भी स्टेप को परफॉर्म नहीं कर सकते हो. सो आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए. देन थर्ड इज ऑब्जेक्टिव, मींस आपकी रिसर्च का एम क्या है, आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो, गोल क्या है रिसर्च का. ओके, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव परफॉर्म, आपकी रिसर्च क्या होनी चाहिए, आपको आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि एम क्या है. अगर आप जो रिजल्ट आप रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स क्या कोई प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या लोगों के लिए वो बेनिफिशियल है. इसलिए हम रिसर्च हमारी ऑब्जेक्टिव वे में होनी चाहिए. फर्स्ट इज साइंटिफिक एंड द सेकेंड वर्ड इज सिस्टमैटिक एंड थर्ड इज ऑब्जेक्टिव. अगर आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड्स में से कोई एक वर्ड दिखता है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च में, दैट मींस वो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट रिसर्च. ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कोई भी रिसर्च परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी रिसर्च को परफॉर्म कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, टीचर अपनी क्लास में बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे. सो टीचर क्या कर लेगी, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेगी. ओके, टीचिंग मेथड टीचर चेंज कर लेगी जिससे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को इजिली अंडरस्टैंड कर पाए. सो टीचर ने यहाँ पर क्या किया, टीचर ने रिसर्च परफॉर्म किया. ओके, सो ये भी एक टाइप का रिसर्च हो गया. So any person can do research. This is correct about research. Then आपको option B given here. Research may be without hypothesis. So इस statement में आपके लिए एक new word है hypothesis. Hypothesis होता क्या है? Hypothesis ये एक tentative statement होता है जो researcher के assumptions और guesses पर based होता है. और इसी assumption और ऐसे guesses को researcher अपने research में test करते हैं. जैसे for example एक drug है और रिसर्चर को यह देखना है कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस पर्टिकुलर डिसीज को क्योर कर रहा है या नहीं. तो रिसर्चर का अजम्पशन क्या होगा इस केस में, कि हो सकता है शायद ये ड्रग इस डिसीज को क्योर करे. सो रिसर्चर का एक अजम्पशन है, रिसर्चर का मानना है. बस इसी मानने को, इसी अजम्पशंस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. अब
कोई कोई रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम बस इतना देखेंगे कि ऐसे रिसर्च रिसर्च जो होती है विदाउट हाइपोथेसिस भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है, मुझे स्टडी करना है बटरफ्लाइज के बारे में, कि बटरफ्लाइज के आईज कैसे होते हैं, उनके कलर्स कैसे होते हैं, उनके विंग्स कैसे होते हैं, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं। सो बस मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नॉलेज एक्सपांड कर रही हूँ और मैं कोई एरिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो यहाँ पर मुझे हाइपोथेसिस की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रही हूँ। सो इस केस में क्या होता है, रिसर्च में कभी कभार हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक, मीन्स रिसर्च ऑलवेज सिस्टमैटिक नहीं होती है इसका मतलब है, बट हमने देखा था रिसर्च मस्ट ऑलवेज बी सिस्टमैटिक, रिसर्च सिस्टमैटिक होनी ही चाहिए। अगर आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं होती है तो आपकी रिसर्च इनवैलिड हो जाएगी। सिस्टमैटिक मीन्स वॉट, आपको प्रॉपर स्टेप्स स्ट्रक्चर परफॉर्म करना होता है, आपको रैंडमली कोई भी स्टेप्स आप रिसर्च में परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च। और हमें क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज रिलेटेड विद, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन कनेक्टेड है और लिंक्ड है विद रिसर्च। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। तो यस, रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडिया डिस्कवर कर कोई चीजें डेवलप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन्स। तो ये सारे रिसर्चर ने क्या किया, अपने आइडियाज के थ्रू इन सारे चीजों को डेवलप किया। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च इज रिलेटेड विद डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यस, रिसर्च में रिसर्च हमें हेल्प करता है कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। जैसे हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि है आपकी कोविड, कोविड-19 डिसीज। कोविड-19 के अगेंस्ट रिसर्चर ने वैक्सीन डेवलप किया। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का रिसर्चर ने वैक्सीन डेवलप कर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। सो रिसर्च में हम कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्च में हम कोई भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, मीन्स उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं, उस प्रॉब्लम को और डीप में जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमारा एम क्या होता है रिसर्च को परफॉर्म करने का। ओके, सो हम रिसर्च इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब रिसर्च में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो पर्सन सिक है, वो पर्सन बीमार है, उस पर्सन को कोई डिसीज हुई है। सो ये डिसीज जो हुई इस पर्सन को, ये एक न्यू डिसीज है। सो रिसर्चर क्या करेंगे या फिर डॉक्टर क्या करेंगे, उस डिसीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डिसीज है क्या। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, टू फाइंड द सोल्यूशन। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि रिसर्च इसीलिए की जाती है कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। जैसे यहाँ पर आपने देखा एक पर्सन था और उस पर्सन को कोई डिसीज हुई है और वो डिसीज न्यू है, सो रिसर्चर उस डिसीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अब डिसीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसी डिसीज के अगेंस्ट रिसर्चर ड्रग डेवलप करेंगे, और यू कैन से डॉक्टर्स उस डिसीज के अगेंस्ट ड्रग या फिर कुछ ट्रीटमेंट देंगे। सो यहाँ पर रिसर्चर ने और यू कैन से डॉक्टर्स ने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया। दैट्स व्हाई हमारे रिसर्च का एम और पर्पस यही होता है कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करे और कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है।
सो अब हम ऑप्शन ए देखते हैं, सर्चिंग अगेन एंड अगेन। सर्चिंग अगेन एंड अगेन ये रिसर्च तो होता है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। बिकॉज अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि एक बुक है और उस बुक को मैं डेली रीड कर रही हूँ, सो वो रिसर्च तो नहीं कहलाएंगी, क्योंकि मैं बुक को तो डेली रीड करते जा रही हूँ, लेकिन मैं कोई न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप नहीं कर रही हूँ। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपका रिसर्च की डेफिनेशन नहीं होगी। देन ऑप्शन बी आपका गिवन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी आपकी रिसर्च नहीं होगी, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं इंटरनेट के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रख रही हूँ, तो ये रिसर्च हो गई क्या? मैं कोई पीडीएफ उठा रही हूँ और उस पीडीएफ को अपने पास कलेक्ट करके रख रही हूँ, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन कोई सोर्सेस से कोई बुक लेकर आ रही हूँ मैं अपने पास रख रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन को अगर मैं कलेक्ट कर रही हूँ सो उसे हम रिसर्च नहीं कहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। सो यस यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो जैसे आप इस सेंटेंस में और इस डेफिनेशन में आपको एक वर्ड आ गया है साइंटिफिक। तो मैंने आपसे जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि साइंटिफिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप आपकी डेफिनेशन में जब भी साइंटिफिक या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर सिस्टमैटिक ये वर्ड्स देखते हो तो वो आपकी रिसर्च की डेफिनेशन हो जाएगी। सो हम रिसर्च को साइंटिफिक वे में परफॉर्म करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड करने में, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च रिफर्स टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम किस ऑप्शंस पर रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी जो आप डेली परफॉर्म करते हो उसे हम कहते हैं रूटीन एक्टिविटी। जैसे आप डेली कॉलेज जा रहे हो, डेली स्कूल जा रहे हो, आप डेली बाथ ले रहे हो, आप डेली लंच कर रहे हो, आप डेली डिनर कर रहे हो, सो ये रूटीन एक्टिविटी हो गया। रूटीन एक्टिविटी पर आप रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एनुअल एक्टिविटी। एनुअल एक्टिविटी मीन्स व्हाट? आप जो ईयरली करते हो या फिर ईयर में एक बार करते हो उसे हम कहते हैं एनुअल एक्टिविटी। एनुअल एक्टिविटी पर भी आप रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ओकेजनल एक्टिविटी। ओकेजनल एक्टिविटी मीन्स आप जो समटाइम्स करते हो, वो कभी कभार आप समटाइम्स और यू कैन से आप कभी कभार करते हो उसे हम कहते हैं ओकेजनल एक्टिविटी। इस पर भी आप रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी। यस आप यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी पर आप रिसर्च परफॉर्म कर सकते हो। अब फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, व्हाई स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू क्यों है? व्हाई अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड क्यों है? सो ये जो फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस है, फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज है, इन पर हम रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं ये देखने के लिए कि सच में अर्थ राउंड है या सच में स्काई ब्लू है। सो ये आपके फैक्ट्स हो गए, सो हम फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटीज पर रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, हाउ वुड यू डिफाइन द रिसर्च प्रोसेस। इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है, सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डेटा। सो स्टेटमेंट को हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। सो डेटा कलेक्शन ये आपके रिसर्च प्रोसेस में एक स्टेप होता है जहां पर आप डेटा को कलेक्ट करते हो। सो ये आपके रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं होगी, दिस इज द पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, दैट्स व्हाई यहां पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग रिसर्च रिजल्ट्स। तो रिसर्च रिजल्ट्स आप कब प्रेजेंट करते हो? रिसर्च प्रोसेस के लास्ट स्टेप में, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, और ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट होती है, ये आपके रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं होंगी, दैट्स व्हाई यहां पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, द स्टेजेस और स्टेप्स द रिसर्चर फॉलोज इन कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन ये होती है जिसमें आप कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हो और उन स्टेप्स को परफॉर्म कर आप आपके रिसर्च का कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हो और रिसर्च को आगे बढ़ाते हो।
सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अब रिसर्च प्रोसेस के कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, देन नेक्स्ट स्टेप में आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उस डेटा को एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद उस डेटा पर कंक्लूजन्स निकालते हो और कंक्लूजन से रिजल्ट्स निकालते हो। तो हम रिसर्च प्रोसेस की करेक्ट डेफिनेशन बोलेंगे इन सारे स्टेप्स को, जहाँ पे हम स्टेप्स परफॉर्म कर कर कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं हमारी रिसर्च के, ना कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेजेस को हम रिसर्च प्रोसेस कहेंगे। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टेजेस और द स्टेप्स द रिसर्चर फॉलोज इन कैरिंग आउट रिसर्च प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, वॉट इज अ पायलट स्टडी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पायलट स्टडी होती क्या है। सो पायलट स्टडी में पायलट्स एंड एयरप्लेन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर ऑप्शन ए, अ स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी। यस, पायलट स्टडी वो होती है जो रिसर्चर पहले एक स्मॉल स्केल पर करते हैं, अगर वो स्टडी सक्सेसफुल होती है तो उसे एक लार्ज एरिया पर एक बड़े एरिया में रिसर्चर लॉन्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करा है। सो मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है कि कोई स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कुछ स्कूल्स में बच्चों को खाना प्रोवाइड करते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या फिर नहीं, कि उनका इनरोलमेंट बढ़ रहा है या नहीं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम किया है। सो गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम किया तो एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में ही पहले गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, ये देखने के लिए कि बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ रहा है या फिर नहीं। अगर बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ रहा है, अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है, सो गवर्नमेंट क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को हर एक सिटी में लॉन्च करेंगे। सो इसे हम कहते हैं पायलट स्टडी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अ स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च के मेन टास्क क्या होते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, टू लर्न न्यू थिंग्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्च का एम ही होता है कि हम कुछ न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करें। सो उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज सीखते रहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, रिसर्च गिव्स यू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जैसा हम देखते हैं कंप्यूटर्स में न्यू लैंग्वेजेस आते हैं, मोबाइल्स में कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ एप्स आते हैं। तो जब भी कोई न्यू थिंग्स डेवलप होती है, सो उसके थ्रू रिसर्च या फिर हम लोग कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीखते रहते हैं। सो रिसर्च गिव अस द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, रिसर्च हेल्प्स विद सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्च में हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीज है, कोई पर्टिकुलर डिसीज है, कोई न्यू डिसीज है, उस डिसीज के अगेंस्ट रिसर्चर को ड्रग फॉर्म अप करना रहता है या फिर यू कैन से वैक्सीन फॉर्म करना रहता है। सो दिस इज नथिंग बट प्रॉब्लम। सो रिसर्च का मेन टास्क यही होता है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सो यहाँ पर आपका तीनों भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज रिसर्च का मेन टास्क होता है कि कुछ ना कुछ न्यू थिंग हम सीखते रहते हैं, कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम गेन करते रहते हैं और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हम किसी भी रिसर्च की इम्पोर्टेंस, किसी भी रिसर्च की डेप्थ को कैसे जज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, बाय रिसर्च टाइटल। क्या हम किसी भी रिसर्च की टाइटल से उस रिसर्च को जज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टाइटल है, स्टडी ऑन वायरसेस। सो इस टाइटल से कि मैं उस रिसर्च को जज कर सकती हूँ कि वो रिसर्च अच्छी है या फिर नहीं है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या हम सिर्फ टाइटल को ही देख के किसी भी रिसर्च को जज नहीं कर सकते हैं? देन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गिवन है, बाय रिसर्च ड्यूरेशन। मीन्स उस पर्टिकुलर रिसर्च को कितना टाइम लगा है। किसी रिसर्च को कंप्लीट होने में 2 वीक्स लगते हैं, किसी रिसर्च को कंप्लीट होने में 2 ईयर्स लगते हैं, 1 ईयर लगता है, 6 मंथ लगता है। सो हम किसी भी रिसर्च की डेप्थ को उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन डी देखते हैं, बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम किसी भी रिसर्च के
डेप्थ को इसलिए नहीं जज कर सकते कि उसमें कितना पैसा खर्च हो गया है, उसमें कितना मनी स्पेंड है। अगर कोई रिसर्च में ज्यादा मनी स्पेंड है, दैट मीन्स वो रिसर्च अच्छी है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम किसी भी रिसर्च के डेप्थ को जज कर सकते हैं बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, के उस रिसर्च का गोल क्या है, उस रिसर्च का गोल क्या है, उस रिसर्च का एम क्या है, वो रिसर्च क्यों की गई है, क्या उस रिसर्च के करने के बाद उस रिसर्च के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सो इससे हम रिसर्च की डेप्थ को जज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ रिसर्च। आई होप द डेफिनेशन ऑफ और द मीनिंग ऑफ रिसर्च इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।